हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक को बेटर कैसे किया जाए, और पिछले ही कड़ी से जुड़ता हुआ जी उसी पार्ट नंबर 6 पे बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ पार्ट बच गया था, मैं उसी पार्ट के बोले वापस लेके आया हूँ और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये मेथड जो मैंने अडॉप्ट किया है, बेसिकली मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पा रहा था जो क्लासरूम टीचिंग की वजह से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ज़्यादा बेटर कंटेंट दे पाऊँ। अगर आप इसको वाकई में नोट करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से, तो आप पाएंगे आपको बहुत मज़ा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू ईजी, बहुत आसान है, हम एक्चुअली सही तरीके से आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे हर चीज़ को, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए मैं वापस आता हूँ। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने बेसिकली पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होता है, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन ग्रुप इज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, दोनों की तरह एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल नंबर 1 जो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या कहता है, इंडक्टिव डोनेटिंग ग्रुप विदड्रॉइंग ग्रुप दोनों के बारे में बात की थी, टेबल पर बहुत गौर करना है, उसके ऑर्डर को याद करना है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दोनों को समझना है। रूल नंबर 1 कहता है यहाँ पे, अगर देखें, मोर विल बी चार्ज ऑन द रिएक्शन इंटरमीडिएट मोर बी द रिएक्टिविटी, जितना चार्ज बढ़ाएंगे, चाहे प्लस चार्ज की बात करें चाहे माइनस चार्ज की बात बढ़ाएं, दोनों में कोई भी अगर चार्ज बढ़ता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो समझ लीजिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। तो इस पर बड़ा ध्यान देना है आपको, रिएक्टिविटी बढ़ती है और स्टेबिलिटी इसकी घटती है, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखें यहाँ पर, मैंने यहाँ रिएक्टिव इंडक्शन इंटरमीडिएट जो भी होते हैं, अगर उसके अंदर लेस स्टेबिलिटी मोर रिएक्टिविटी, ये डिपेंड करता है, मोर विल बी चार्ज, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इस पॉइंट पे आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास देखिए अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास। ये देखिए, यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट है मतलब कार्बोकेटाइन है, माइनस चार्ज दैट इज कॉल्ड कार्बन एनायन प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी NH2, यहाँ NO2, यहाँ CH3 प्रेजेंट है। तो जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, इसका मतलब हमें ये बताना है कि सबसे कम स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ या मोर स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जाना है। वही देखिए ऑर्डर आपने देखा था जो मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में 3:1:2 ये ऑर्डर नजर आया था, माइनस के लिए 2:1:3 आप पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, बिकॉज NO2 स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है, ये और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अल्टीमेटली इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। तो चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाए, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जितना चार्ज आपका बढ़ेगा प्लस चार्ज पुल करेगा, चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए चार्ज प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, दिस कैन शो प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट अगर ये शो करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखें तो NO2 कैन शो माइनस आई इफेक्ट, जो हमें नज़र आ रहा है ये माइनस आई है, बट ये वाला क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट। प्लस इफेक्ट क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इसको, अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पे, इसके पास प्लस चार्ज के पास माइनस क्लाउड आएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो 3:1 ऑर्डर होगा। इसी का जस्ट रिवर्स आते हैं, यह माइनस आई इफेक्ट है, जितना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा आपका, अल्टीमेटली निगेटिव चार्ज क्या होगा वो कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ज़्यादा होगी इसकी। तो यहाँ पर अगर देखें निगेटिव चार्ज को हम क्लाउड को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन में देखिए अगर चार्ज बढ़ता है तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज मोर एक्टिव बट स्टेबिलिटी घट जाती है। तो यहाँ पे सबसे अगर हम यहाँ पे बेसिकली अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो नेगेटिव चार्ज क्लाउड के लिए हम बात की जा रही है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के लिए कहता है कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएंगे आप तो स्टेबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की डिक्रीज करेगी, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। एनायन के लिए क्या होगा, अगर आप माइनस आई इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी एनायन की, इंक्रीज करेगी। तो इससे बड़ा ये बहुत पॉइंट वाली बात है। प्लस आई इफेक्ट पर ज़रा ध्यान देना है, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, उस कंडीशन में कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। देखिए माइनस आई इफेक्ट एनायन के लिए बड़ा फ्रूटफुल स्टेबिलिटी के लिए, बट कैटायन के लिए क्या हार्मफुल है मतलब डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, बट माइनस आई प्लस आई इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एनायन के लिए बड़ा हार्मफुल है बट कैटायन के लिए बड़ा फ्रूटफुल है, तो ये हमें ऑर्डर ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास देखिए ये जो हमारे पास कार्बोकेटायन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये कार्बोकेटायन बेसिकली है क्या, देखिए ये टर्शरी कार्बोकेटायन दिया हुआ हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 2 डिग्री प्रेजेंट है, और ये हमारे पास देखिए 1 डिग्री है, और यहाँ पे सिर्फ देखिए ये मिथाइल कार्बोकेटायन है 3CH3+ है। अब जाहिर सी बात है यहाँ प्लस आई इफेक्ट तीनों साइड से होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट, तो प्लस चार्ज जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिलेगी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, वो प्लस चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो अगर प्लस चार्ज को यहाँ पे मिनिमाइज करे तो आप क्या देख सकते हैं, यहाँ प्लस चार्ज को दो साइड से मिनिमाइज करेगा,
यहाँ तीन साइड से मिनिमाइज करेगा या एक साइड से। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको स्टेबल दिखाई देगा यहाँ पे, तो नंबर वन पे ये दिखाई देगा आपको, उसके बाद नंबर टू, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, इंट्रैक्शन को बढ़ाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे नंबर वन पे वन आएगा, मिथक टर्शरी आएगा, नंबर वन पे टर्शरी, नंबर टू पे सेकेंडरी, नंबर थ्री पे प्राइमरी, नंबर फोर पे आपका ये जब मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। इस तरह से अगर आप कार्बन एनायन में आते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट नजर आएगा, यहाँ पे अपोजिट इसलिए नजर आएगा अगर यहाँ पे देखिए आप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उल्टा नेगेटिव डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये टर्शरी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और दो साइड से बढ़ाएगा। तो एनायन के लिए प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी को घटाता है, आपको पढ़ा था अभी आपने पीछे, एनायन के लिए प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटाता है, केटायन के लिए प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री हो गया आपके लिए, ये आपके लिए 1 डिग्री कार्बन एनायन, तो ये पता होना चाहिए कार्बन एनायन है, ये मिथाइल कार्बन एनायन है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं, 4 is more than 3 is more than 2 is more than, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स होते हैं उसकी स्टेबिलिटी इस तरह से डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंपाउंड दिया, एक फ्लोरिन यहाँ प्रेजेंट है, देखिए इस कंपाउंड के पास देर इज अ फ्लोरिन एटम इज प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा, दो है फ्लोरिन, एक तो यहाँ तीन तीसरे कार्बन पे फ्लोरिन प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे ये फ्लोरिन अटैच्ड है, और ये हमारे पास सेकंड कार्बन में प्रेजेंट है। तो जाहिर सी बात जो करीब होगा आपके पास वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को ज़्यादा हार्म करेगा, बिकॉज ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है ये। तो ऐसे केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसकी और बढ़ने लगेगी, जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में ये दूर होने की वजह से इसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू सेकेंड। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पे इस वाले केस में अगर आप आते हैं तो इसमें आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन एनायन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन एनायन प्रेजेंट है। कार्बन एनायन में क्या है, ये हमारे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, सॉरी ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये भी माइनस आई भाई सेकंड पोजीशन पे। बट यहाँ सेकंड पोजीशन पे आने से बेनिफिट क्या मिला है कि एनायन में अगर माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो कार्बन के काफ़ी करीब प्रेजेंट है, ये कार्बन थोड़ा दूर है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पुल करने में इसको आसानी मिलेगी, इससे क्या होगा, इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी इस इंटरमीडिएट्स को, तो यहाँ पे सेकंड इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। अब जैसे ये देखिए एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ये चार एग्जाम्पल है, क्लोरीन फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, और क्लोरीन फ्लोरीन देखिए सेकंड कार्बन पे, और ये देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन है हमारे पास। अगर हम कार्बोकेटाइन को देख रहे हैं 1 2 3 4, इसमें देखिए Cl और F, इसमें F और Cl और Cl-F, तो देखिए प्लस चार्ज में अगर मान लीजिए जितना स्टेबिलिटी अगर हम बात करें इस केस में, तो स्टेबिलिटी में आप पाएंगे कि ये ग्रुप जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट का इफेक्ट इस कार्बन पर कम पड़ेगा, जब इसका इफेक्ट कम पड़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही चीज़ हमें देखना है कि प्लस चार्ज अगर प्रेजेंट है, माइनस आई इफेक्ट हमेशा स्टेबिलिटी को घटाता है, आपको बता चुका हूँ पहले, क्योंकि जितना ये होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, जितना चार्ज बढ़ाएगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, देखिए कि यहाँ पर सबसे ये डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में ये सबसे करीब है ये वाला, तो सबसे कोई अनस्टेबल दिखेगा तो वो ये दिखेगा, सबसे स्टेबल वो होगा जो दूर होना चाहिए। देखिए 1 2 तीसरे नंबर पे ये दोनों मिल रहे हैं, ये हमारे पास, यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे ही मिल गया, यहाँ देखिए थर्ड सेकंड थर्ड पे, यहाँ फर्स्ट सेकंड पे, यहाँ पे अब देखकर हम बात करें तो ये दूर था सबसे ज़्यादा स्टेबल, देखिए 4 नंबर पर प्रेजेंट है, ये करीब होगा सबसे ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा तो आखिर जाएगा। अब बचा इन दोनों ही कहानी, हम जानते हैं कि फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरिन से ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लोरिन यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट शो करेगा माइनस आई इफेक्ट का, ये प्लस चार्ज को और बढ़ाएगा, इसलिए ज़्यादा अनस्टेबल अगर होगा 1 और 2 में तो वो सेकंड वाला पार्ट होगा, बाकी फ्लोरिन यहाँ पे दूर है। इस तरह से 2-3 एग्जांपल जो कार्बोकेटाइन कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। अब आगे देखते हैं, देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है। अब जैसे कि हम रूल नंबर 2 पे आते हैं, खासकर हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट का मामला है, यहाँ पे रूल नंबर 2 कहता है कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट मोर रिएक्टिविटी इट्स कंपाउंड। एक्चुअली इस कंपाउंड, वैसे एग्जांपल यहाँ पे CH3 मिथेनॉल, इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये रिएक्शन में एक्टिव होना बेसिकली डिपेंड करता है इसके टूटने के बाद कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, खासकर कार्बोकेटाइन कार्बन एनायन, वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा वो इसकी स्टेबिलिटी पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो याद रखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ कि मान लीजिए अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट है, अल्कोहल का कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, तो अल्कोहल जब
रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जब अल्कोहल रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म करेंगे तो वो अपने पास कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो मतलब हमारा ध्यान होना चाहिए कार्बन OH बॉन्ड पे। अगर हम यहाँ पे इसके इंटरमीडिएट या रिएक्टिविटी की बात करना चाहते हो तो CH2 पे प्लस चार्ज और OH पे चार्ज आएगा माइनस। सेकेंड पार्ट अगर कहता है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पे, तो हमें यहाँ पे OH बॉन्ड पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एसिड उसे कहते हैं विच कैन इजिली गिव H प्लस आयन। तो यहाँ पे OH बॉन्ड अगर अपना H प्लस आयन देता है, कौन आसानी से अपना H प्लस आयन दे सकता है, उस कंडीशन में एसिडिक नेचर की हम बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड की, जैसे NH2 यहाँ प्रेजेंट है, जैसा कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि NH2 यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बनाएगा। जब माइनस आई इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन पे चार्ज यहाँ पॉजिटिव अगर आता है टूटने के बाद, तो इसके पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसको अप्लाई करते हैं इसी तरीके से, अगर आप इसको अप्लाई करें किस केस के लिए आप इसको अप्लाई कीजिए, मान लीजिए इसी चीज़ को अगर हम फ्लोरीन देखें, फ्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बट मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाता है टूटने के बाद, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। जिसके पास ज़्यादा प्लस चार्ज आता है और प्लस चार्ज ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी क्या होगी उसकी, कम हो जाएगी जब चार्ज इसका बहुत बढ़ने लगेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, याद रखिएगा हमेशा कार्बोकेटाइन पे प्लस चार्ज अगर बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसके देने से क्या होगा, इसका प्लस चार्ज कम होगा। जब प्लस चार्ज इतना कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन में पढ़ा अभी पीछे ऊपर आपने, प्लस चार्ज को प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब माइनस आई इफेक्ट जब बढ़ता तो क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी, प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, बट उसकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, ये कार्बोकेटाइन का केस है। तो यहाँ पे जब हम कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कंपाउंड को इमेजिन करना पड़ेगा तोड़ने के बाद कि कार्बन पे चार्ज अगर प्लस आता है, कहाँ पे प्लस चार्ज मिनिमम हो रहा है, मतलब कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो अगर हम ऐसी बात देखें तो ये रिएक्शन करना बहुत फास्ट पसंद करेगा अल्कोहल, कौन सा, प्रोपेनॉल जो लिखा हुआ है, बिकॉज इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए थर्ड वाला जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इसका जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरिन और एमीन, इसलिए 3 लिखा। बाकी 1 और 2 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर पे हमारे पास एमीन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फ्लोरिन उसके बाद सेकंड नंबर, इसलिए आखिरी में फ्लोरिन है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे उल्टा होगा, तो ये कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, 3-1-2 ऑर्डर होगा। सेम एज अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो ये सब माइनस आई इफेक्ट सेम शो कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम OH बॉन्ड की बात कर रहे हैं। देखिए याद रखना हमेशा आपको, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं तो देखिए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, मतलब कार्बन पे चार्ज प्लस माइनस पे कौन सी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन आसानी से अपना ये H प्लस आयन दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बॉन्ड की, पहले हम इस वाले में इस बॉन्ड की, इस वाले में इस बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, इस वाले में इस बॉन्ड की बात करते हैं OH बॉन्ड की। तो यहाँ पे प्लस माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये कार्बन पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज जनरली निगेटिव आता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन H को आसानी से यहाँ से हटाएगा ताकि उसके ऊपर प्रेशर सा कम हो पाए। तो माइनस आई इफेक्ट जब बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल करेंगे, शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो अल्टीमेटली H देना आसान होगा। तो NH2F की बात करें तो इनके अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। यहाँ उल्टा हो रहा, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ से H को भगाना है तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन पुल कर सके और यहाँ से H प्लस आयन दे सके। आपने खतरनाक जो भूखा ग्रुप लगा दिया, दैट इज कॉल्ड माइनस आई, जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, उससे ऑक्सीजन H का स्ट्रेंथ कमजोर पड़ेगा, H बॉन्ड निकालना आसान होगा। जब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा आपके पास, वो क्या करेगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ बढ़ाएगा, जाहिर सी बात ऑक्सीजन का पेट पूरा भरा होगा तो H से इलेक्ट्रॉन लेना वो कम पसंद करेगा, उसका H प्लस आयन देने की टेंडेंसी कम होगी। देखिए रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड डिफरेंट नेचर है, एसिड नेचर की बात करेंगे तो 2-1-3 इसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो ये ख्याल रखना है आपको, इस तरीके से हमें सोचना पड़ेगा एसिडिक नेचर की OH बॉन्ड और रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड के लिए हमें सी पे कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट है एग्जाम्पल के तौर पर, ये टर्शियरी अल्कोहल है हमारे पास, अगर आप देखें यहाँ पे दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज़ द 2 डिग्री अल्कोहल, दिस वन इज़ द प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस वन इज़ द सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल। जाहिर सी बात यहाँ प्लस चार्ज बनाएंगे अगर हम इस बॉन्ड, पहले हम पहले पास बात करते हैं रिएक्टिविटी की, सबको तोड़ के देखिए यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है, इसको भी तोड़ के देखते हैं प्लस चार्ज आ रहा है,
इसको भी तोड़ के इतने प्लस चार्ज आ रहा है, इसको भी तोड़ के इतने प्लस चार्ज आ रहा है। अब आप खुद देखिए यहाँ तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट इस प्लस चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इसका प्लस चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बढ़ा रहा है। यहाँ टू साइड से प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहे हैं, यहाँ वन साइड से वर्क कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपको नजर आ रहा है, ये काबू का टाइम। जाहिर सी बात है ये काबू टाइम बनना पसंद करेगा, मतलब तोड़ना पसंद करेगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी, जाहिर सी बात है इस वन नंबर की, फिर टू नंबर की, फिर थ्री या फोर की जाएगी। मिथाइल में तो कोई प्लस आई इफेक्ट है, एक ही अकेला मिथाइल प्रेजेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ओ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कम सप्लाई कर रहा है। जब ओ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम अगर मिलेगी तो वो नजर आएगी आपको टर्शरी वाले में सबसे ज्यादा मिल रही, मिथाइल वाले में कम मिल रही। तो ऐसे केस में हम जानते हैं कि जब हम ओ से एच निकालेंगे तो उसको वन साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी इस केस में। तो एसिडिक अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें यहाँ पे तो 1, 2, 3 था। अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो एच से इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो एच से इलेक्ट्रॉन इस तरह से पुल करेगा। देखिए अगर ये कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास, जैसे ये कार्बन प्रेजेंट है, ये हमारे पास ओ प्रेजेंट है, तो ओ और एच हम जानते हैं कि दोनों के बीच में पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी डिफरेंस की लड़ाई चल रही है। अगर ज़रा सा भी क्राइसिस इसके पास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ये H को यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के भगा सकता है, H प्लस आयन बना के भगा देगा एसिडिक नेचर शो करने के लिए। इसी की वजह से देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कंपाउंड में कम हो रही है। जाहिर सी बात है इसके पास सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर मिथेनॉल होगा, उसके बाद बाकी उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर वन होगा। तो ये जहन में रखना है, एसिड नेचर में OH बॉन्ड के स्ट्रेंथ को देखते हैं और हम रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड के लिए हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसी नेचर की वजह से अगर हम देखें तो HOH बॉन्ड है, वाटर है, CH3OH मिथेनॉल है, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अजीब गरीब बात एक आएगी। देखिए मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये ट्रांसफर कर रहा है, इस तरह से दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। और हाइड्रोजन के बारे में पहले बताया कि हम प्लस आई इफेक्ट का जीरो इफेक्ट मानते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे ये H प्लस आयन देना इसके लिए और आसान हो जाएगा, इसीलिए हम वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ मिथेनॉल के एसिड स्ट्रेंथ से ज़्यादा मानते हैं। दैट्स व्हाई वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल कहलाता है। इसी को आगे समझाया गया, देखिए अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप प्रेजेंट है, मान लीजिए जैसे फ्लोरिन प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरिन प्रेजेंट है, जाहिर सी बात फ्लोरिन अगर है तो ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को पुल करने में बड़ा हेल्प करेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, तो वो H प्लस आयन देना उसके लिए आसान होगा, ताकि H हटा के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। तो ये दूर है, ये पहले करीब है। तो सारी बात पहली वाला जो है एसिडिक नेचर की बात करें तो देखिए 2 is more than 1, 2 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे हम CO बॉन्ड को देखना पड़ेगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज होकर सोचना पड़ेगा, ये कार्बोकेटायन है, तो ये थोड़ा दूर है तो इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, ये थोड़ा करीब है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल फील करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए वन की रिएक्टिविटी 2 से ज़्यादा होगी। तो जितना कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट स्टेबल होता है आपका, उतना ज़्यादा समझिए वो कंपाउंड उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस तरह से एग्जाम्पल अगला देखिए CF3COH, CCl3COH, कार्बोक्सिलिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 फ्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 3 ब्रोमीन है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये ज़्यादा प्रेशर डालेगा कार्बन पे, कार्बन फिर ऑक्सीजन पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन पे प्रेशर ज़्यादा डालेगा, अल्टीमेटली H प्लस आयन देना आसान हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के हिसाब से फ्लोरीन को ज़्यादा एसिडिक मानते हैं, फिर क्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को मानेंगे। उससे और आगे जाके देखिए यहाँ पे HCOH, CH3COH, इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड, 2-methylpropanoic एसिड। जाहिर सी बात जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन लूज दोगे आप इतना ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा, और रिएक्टिविटी की बात करें तो 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, जैसे उसका अपोजिट हमें करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये काम आपका है कि आप इस एग्जाम्पल को आप खुद से ट्राई करके समझने की कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से प्लस आई माइनस आई इफेक्ट अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। आई होप मैंने पूरी कोशिश की ताकि कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जाए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, और जो सजेशन आपको लगता है तो कुछ और भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।
देखिए, हो सकता है कि मैं कमिंग आने वाले वक्त में मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, कम से कम वीक में वन डेज में लाइव कुछ आवर्स के लिए। आपको अगर कोई डाउट्स हो, कुछ इसमें कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर उसमें से क्वेश्चन रख सकते हैं। और भी चैप्टर साथ साथ चल रहे हैं, सॉलिड स्टेट है आपका, सॉल्यूशंस है आपका, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ओके, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरा वीडियो वॉच किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें और अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि इससे क्या होता है कि हमें मौका मिलता है कि हमें और क्या बेहतर तरीके से करना चाहिए, ताकि कंटेंट मेरा मेन मकसद था, मैं उसके हिसाब से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ।